YouTube इवेंट को अटेंड करने के लिए क्या YouTube से आपको पेमेंट मिलती है? क्या कंटेंट क्रिएटर्स बहुत ज्यादा एटीट्यूड वाले होते हैं? YouTube इवेंट में एक्चुअली होता क्या है? मेरा पहला YouTube इवेंट एक्सपीरियंस कैसा था? हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज मी शाइनी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा पहला YouTube इवेंट का एक्सपीरियंस। सो ये वीडियो पूरा देखना, वीडियो पसंद आए देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो रिसेंटली आई गॉट एन एक्सक्लूसिव इन्वाइट फॉर एन YouTube इवेंट जो कि हो रहा था Google India ऑफिस गुड़गांव दिल्ली में। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो YouTube इन्वाइट्स वगैरह आते हैं ना, ये ईमेल करते हैं वो आपको। तो पहले भी मुझे 2-3 बार ईमेल्स रिसीव हुए थे, लेकिन एक्चुअली मैं उतना ज़्यादा ईमेल चेक नहीं करती। बट सडनली हम लोगों ने मेघालय ट्रिप, मतलब नॉर्थ ईस्ट इंडिया ट्रिप प्लान किया था, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं बस अपना जो YouTube का ईमेल है वो मैं चेक कर रही थी। एंड देन सडनली आई सॉ कि YouTube से मुझे एक एक्सक्लूसिव इन्वाइट मिला है एक इवेंट अटेंड करने के लिए। आई वॉज सो हैप्पी, मतलब पहले ना मैं एकदम शॉक हो गई थी कि अरे ये इन्वाइट है, आई मीन एक्चुअली दिस इज फ्रॉम YouTube। और वहाँ पे यू नो YouTube से मुझे कॉल भी आया था बाद में, पर एनीवेज उस वक्त तो सिर्फ ईमेल ही आया था। सो आई वॉज सो मच शॉक्ड, और मैंने अपने हस्बैंड को उसी वक्त दिखाया। एंड ये ईमेल ना देर रात में आया था, आई मीन 12 बजे के बाद आई गेस। तो मैंने अपने हस्बैंड को तुरंत बताया कि लिसन दिस इज दिस ईमेल, आई हैव रिसीव दिस ईमेल, तो अब क्या करें, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी प्लान्ड आवर एंटायर नॉर्थ ईस्ट इंडिया टूर। और जो डेट था ना, एक्चुअली 28 जून इवेंट होने वाला था दिल्ली में, और हमारा रिटर्न था 29 जून को फ्रॉम मेघालय टू कोलकाता। यू नो ऑल थैंक्स टू माई हस्बैंड, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। जैसे ही उन्होंने ईमेल देखा, उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, वी शुड गो, वी शुड अटेंड दिस इवेंट नो मैटर व्हाट हैपेंस, लेकिन हमें कोशिश करना है जाने की, क्योंकि हमारे पास अभी हम लोग ट्रिप पे गए हैं। ऐसा नहीं कि घर से हमें सब कुछ समेट के जाना पड़ेगा, हम लोग ट्रिप पे गए होंगे उस वक्त, तो वहां से डायरेक्टली ट्रिप से हम लोग दिल्ली चले जाएंगे। ये इवेंट्स ना आपको एक्सपोजर देता है, एंड यूट्यूब से अगर आपको इन्वाइट किया है देन देयर मस्ट बी समथिंग फॉर यू देयर, तो तुम्हें जाना ही चाहिए। एंड दिल्ली में जो मेरी दीदी रहती है, मेरी कजन सिस्टर, इमीडिएटली आई कॉल्ड हर एंड शी टोल्ड दैट जस्ट कम हियर। मतलब कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, ये इवेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एंड तुम्हारे चैनल के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सो शी ऑल्सो सपोर्टेड मी एंड देन वी प्लान्ड आवर टिकेट्स एंड एवरीथिंग। सो अब बात आते हैं कि पेमेंट का YouTube आपको पे करता है। जैसे ब्रांड डील्स हम करते हैं तो ब्रांड से हमें पेमेंट मिलती है, तो क्या YouTube इवेंट अटेंड करने के लिए पे करते हैं YouTube? मेरे ख्याल से YouTube पे नहीं करता है। ट्रैवल अलाउंस कुछ कुछ कंटेंट क्रिएटर्स को प्रोवाइड करता है, लेकिन जो पैनलिस्ट है, जो स्पीकर है, उनको YouTube पे करता है। अदरवाइज शायद पे करता होगा, बट अदरवाइज जो इवेंट पे अटेंड कर रहे हैं, जितने भी बड़े इन्फ्लुएंसर्स हो, कंटेंट क्रिएटर्स हो, उनको YouTube जनरली पे नहीं करता। डिपेंड्स ऑन, बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन द इवेंट। सो हम लोगों ने टिकट बुक किया फ्रॉम शिलोंग टू गुवाहाटी एंड देन फ्रॉम गुवाहाटी टू दिल्ली डायरेक्टली ऑन 27th, एंड थैंक गॉड हमने 28th को बुक नहीं किया, क्योंकि हमारा इवेंट था फ्रॉम 1 PM टू 4 PM, 12 PM हमें रिपोर्ट करना था, क्योंकि 28th अर्ली मॉर्निंग अराउंड 4 AM और 5 AM दिल्ली टर्मिनल 1 कोलैप्स्ड, एंड थैंक गॉड हम उसी दिन आ गए थे, वरना कैंसिल हो जाती हमारी फ्लाइट। सो लेट्स मूव ऑन एंड सी कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये इवेंट था गूगल इंडिया ऑफिस गुड़गांव दिल्ली में। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही इस इवेंट में इनवाइटेड थे एंड वी बोथ वेंट देयर, लेकिन हम लोग 12 बजे के करीब पहुंच गए थे और 1 बजे से इवेंट स्टार्ट होने वाला था। काफ़ी सारे क्रिएटर्स वहां पे थे जिनको मैं फॉलो करती हूं या फिर फीड में उनके वीडियोस मैंने देखा है। हम सभी क्रिएटर्स वेटिंग एरिया पे वेट कर रहे थे एंड अराउंड 12:45 हमारा एंट्री प्रोसेस स्टार्ट हुआ। सबसे पहले रिस्ट बैंड्स दिए गए। गूगल के ऑफिस में एंट्रेंस के लिए एक QR कोड लगता है जो आपके नाम के हिसाब से स्पेशली आपके लिए जनरेट होता है। तो सबसे पहले हम सारे क्रिएटर्स का वो नेम टैग जो कि एंट्रेंस के लिए ज़रूरत है वो प्रिंट किया गया। ये QR कोड स्कैन करके ही हमारा एंट्री होगा एंड ये नेम टैग, उन्होंने इंस्ट्रक्शन में ये कहा था कि जब तक इवेंट चलेगा ये नेम टैग हमारे साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हम अंदर चले गए। अंदर एक बहुत ही खूबसूरत सा सेटअप लगाया गया था रिलेटेड टू द इवेंट। यहाँ पे काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि इतने सारे क्रिएटर्स थे जिनको मैं आज तक फ़ोन में देखती थी ना, वो मेरे सामने थे एंड देयर वर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस फॉर फूड।
एक बहुत ही अच्छा बुफे का अरेंजमेंट किया गया था फ्रॉम गूगल। आप सबको पता है कि गूगल इंडिया का जो खाना है वो कितना ज़्यादा मशहूर है। ये एरिया मेन इवेंट का एरिया नहीं था, यहाँ पे काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ थे और यहाँ पे क्रिएटर्स एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे, कनेक्ट कर रहे थे और यहाँ पे इवेंट से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ भी अरेंज किया गया था एंड फूड स्टॉल्स भी यहीं पर था। लेकिन अंदर था मेन इवेंट जहाँ पर हम बाद में गए एंड ऑलरेडी वहाँ पर बहुत सारे क्रिएटर्स आ चुके थे एंड इवेंट स्टार्ट होने के बाद भी काफ़ी सारे क्रिएटर्स आए स्पेशली फ्रॉम कोलकाता, क्योंकि आप सबको पता है उस टाइम दिल्ली टर्मिनल 1 कोलैप्स हो गया था, उसकी वजह से बहुत लोगों का फ्लाइट भी डिले हो गया था, दे फेस्ड अ लॉट ऑफ इश्यूज। थैंक गॉड हम एक दिन पहले ही आ गए, वरना हमारा भी शायद आना होता ही नहीं। इस वर्कशॉप में एक्चुअली हुआ क्या ये तो मैं आप लोगों के साथ ज़्यादा नहीं शेयर कर सकती, लेकिन इट वॉज अ लॉट ऑफ फन। यहाँ पे बहुत सारे एंगेजिंग एक्टिविटीज हुए एंड देवर आस्किंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, मतलब बेसिकली ये ना क्रिएटर्स के लिए था ये पूरा वर्कशॉप। एंड उसके बाद हम एक दूसरे के साथ मिले, वी कनेक्टेड, इनफैक्ट मैंने बहुत सारे क्रिएटर्स के साथ बात किया एंड दे वर वेरी हम्बल टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे सबके साथ बात करके अच्छा लगा। मैं यूट्यूब में 7 साल से हूँ एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट जब मैंने स्टार्ट किया था यूट्यूब का जर्नी तब मुझे ब्रांड कोलैबोरेशन एंड यूट्यूब इवेंट्स के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। इवेंचुअली जब मैं ग्रो होने लगी यूट्यूब पे ना तब मैंने इवेंट्स के बारे में जानना शुरू किया, तो मुझे बस यही था कि मैं कब जाऊँगी इवेंट में, कब मुझे यूट्यूब से इन्वाइट मिलेगा कि कम अटेंड आवर इवेंट। पर जब मेरा वो सपना पूरा हुआ एंड दैट ऑल्सो दिल्ली में, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और वो भी गूगल ऑफिस भी मैं विजिट कर पाई, दैट ऑल्सो विद माई हस्बैंड, सो इट वॉज अ वेरी ड्रीम कम ट्रू मोमेंट फॉर मी। कमिंग टू द मोस्ट रिक्वेस्टेड क्वेश्चन कि कॉन्टेंट क्रिएटर्स के एटीट्यूड शो करते हैं, देयर आर अ मिक्स्ड रिएक्शन। आई मीन मैंने बहुत सारे ऐसे कॉन्टेंट क्रिएटर्स को जा के बात किया है बिकॉज दैट वॉज माई फर्स्ट यूट्यूब इवेंट, मुझे सबके साथ बात करना था। बहुत ज़्यादा स्वीट है स्पेशली शिवांगी शर्मा हु वॉज आवर स्पीकर दैट डे, शी एंड हर हस्बैंड अर्जुन, वो दोनों ही बहुत ज़्यादा स्वीट थे। नेक्स्ट शिवानी तनेजा एंड हर बॉयफ्रेंड, दीज टू पीपल आर सो हम्बल। यू नो जैसे ही मैंने उनसे बात किया ना मुझे एकदम से वाइब मैच हो गया, सो सो फन। हिमाद्री सो कूल, मैंने हिमाद्री के साथ बातें किया एंड शी वॉज जस्ट वेयरिंग द्री बाय हिमाद्री आउटफिट एंड शी वॉज लुकिंग सो कम्फर्टेबल, मतलब वो आउटफिट बहुत ज़्यादा अच्छा था। हम लोग खा रहे थे उस वक्त, मिताली साइड से जा रही थी तो मैंने मिताली से भी काफ़ी सारी बातें की खाते वक्त, तो मुझे वो भी बहुत ज़्यादा स्वीट लगी। अनदर स्पीकर वी हैड दैट डे वॉज अभिनव शर्मा, वो भी बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ है, ही सो हम्बल। उनके साथ मैंने आफ्टर द वर्कशॉप उनके साथ मैंने खूब सारी बातें की, मैं और मेरे हस्बैंड ने काफ़ी कुछ डिस्कस किया। हनी शेयर की जो मालकिन है पारुल गुलाटी, शी इज़ ऑल्सो रियली स्वीट। ऐसे ही मैंने उनसे बात किया ना, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि शी इज़ सो सक्सेसफुल, यू नो इतना डाउन टू अर्थ है एंड उन्होंने एंड शी इज़ सो फ्रेंडली। जो कॉन्टेंट क्रिएटर्स होते हैं ना वो पैदाइशी तो कॉन्टेंट क्रिएटर नहीं होते, उन्होंने एक स्क्रैच से स्टार्ट किया है, सो दे नो कि नहीं हमें डाउन टू अर्थ ही रहना है। बहुत कम ऐसे कॉन्टेंट क्रिएटर्स होते हैं जो कि एटीट्यूड वाले होते हैं, मुझे एक दो मिले लेकिन 90% ऑफ देम वेयर सो हम्बल एंड सो फ्रेंडली। एंड लास्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि मैं जहाँ पे भी पहुँची हूँ, अगर मुझे यूट्यूब से इन्वाइट भी मिल रहा है तो वो सब सिर्फ आप सबकी वजह से। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट, और इसी तरीके से लव एंड सपोर्ट देते जाइए और प्लीज़ 2 लाख सब्सक्राइबर्स जल्दी से कर दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।